अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हमारी सैरी जो है वो तैयार हो गई है। शराज भाई ने कहा है मैंने एग्स खाने हैं, मैंने इस साल नहीं खाना, हमने करेले बनाए थे रात को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं ना अभी दही लेने जाने से पहले ना अभी एकदम से चारपाई से उठा हूँ, तो मेरे ना बैग में इधर ऐसे लगे कि जैसे ना मेरा कोई पट्टा खींचा गया हो, तो बहुत ज़्यादा ना खिंचाव मुझसे भी सही तरह बैठा भी नहीं जा रहा, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई है एकदम से। तो मुझे लगता है कोई ना टैबलेट खानी चाहिए, लेकिन अभी कोई टैबलेट है नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है अभी भी मुझे। फार्मा उठी नहीं है, उसकी बैटरी लो हो गई है 3 रोज़े रख के। शराज ने इसका जगा इतना उसको जगाया है कैरी, मैंने न्यूट्रल तो मैंने न्यूट्रल मैंने बोला, मैंने कहा मैंने वीडियो में बता देना फिर ना कहना। चलें हाँ चलें ठीक है, हम सैरी करते हैं। टाइम तकरीबन 4 बज गए हैं, फिर आपसे सुबह मिलते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं और फातिमा हम उठ गए थे, तकरीबन सफाई वगैरह सारी की है, घर सारा क्लीन किया है, और अभी जोहर की नमाज़ पढ़ी है और फ्रेश होकर फातिमा कुरान पाक पढ़ रही है। मैंने अभी थोड़ा सा किचन का काम करना है और मैं फिर थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी। और अंदर अभी भाई भी सो रहे हैं, शराज भी सो रहा है और मामा भी मेडिसिन खा के लेटी हुई है। यहाँ पर बन रहे हैं दही बल्ले, दोपहर के बाद हमने व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया, हम सो गए थे, पता ही नहीं चला और कितनी लेट खुली। अब हमने सच्ची नमाज पढ़ी है और क्या किया है, और सालन बनाया और क्या करना जी, और आज हमने लगाया है साग को तड़का। समझ नहीं आता रोजाना बंदा क्या बनाए, और इतने मतलब पूरी सर्दियाँ जो हम कहते हैं कि हमने साग रमजान के लिए रखना है, वो साग का तड़का लगाया और इसमें अब डलेगा। एक मिनट आप ये देखें, ओके मामा भी पास ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल, और आप सबकी खैरियत भी अल्लाह पाक से हमेशा चाहते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि जो साग फ्रीज किया हुआ था ना वही हमने तड़का लगाया, आज कुछ नहीं बनाया। तो मौसम अच्छा है, ठंडा है, इसलिए मैंने कहा चलो साग ही आज बना लेते हैं। जी बिल्कुल, तो ठंडा ठंड में तो अच्छा लगेगा, अगर मतलब 2-3 दिन धूप निकली तो फिर मौसम चेंज हो जाना है, फिर साग अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आज मौके का फ़ायदा उठा के हमने साग को तड़का लगाया, बड़ा मज़े का बना है, क्योंकि मेरा रोज़ा नहीं, मैंने थोड़ा सा चखा है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ टाइम क्या हुआ है, इट्स 5:20 हो गया। नहीं मामा आप भी खुद ही बना लेंगे। अब यहाँ पर बनने लगे हैं पकोड़े, ये है आलू का बटर। पहले आज मैं ये आलू बनाती हूँ, ये एंड पे खराब है जी, इधर से आते हैं यहाँ से, मुझे वो पकड़ाना मामा, वो उनको मोड़ा मामा ने कहा इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे मतलब कि जितना इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे आलू जी बिल्कुल। ये पड़े हैं मीठा सोडा डालो, आलू मीठा सोडा, हाँ है मीठा सोडा पड़ा हुआ है, वो पड़ा है सामने, ये इसमें एक दिन का सब, नहीं तो वो घी सारा घी ज़्यादा गर्म हो गया, पिंच भी नहीं डाला। मुझे बना दे वो सामने, मैं हूँ आपको नज़र आ रही हूँ मामा। मैंने कहा मैं रूम से ना ये उठा लूँ डिज़ाइनिंग, क्योंकि ना जाते जाते इनका फिर मौसम आ गया, मैंने तो रख दी थी लेकिन जब बारिश 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुई ना तो ये फिर हमने निकाल दी। तो यहाँ पर श्रास लेटा हुआ था, मैं अम्मी पास हम यहाँ पर सोए हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा रूम क्लीन कर लेती हूँ। मामा ये पैसे मिले हाथ करो, मैं मांगने वाली हूँ, नहीं 5 रुपए का टिप था, ये नया निकला था अभी रिसेंटली, नज़र ही नहीं आ रहे बाबा जी। नहीं इसके ऊपर नहीं होते सच, ये नहीं पता वो 2 रुपए होते, 5 रुपए नहीं होते, वो 2 रुपए होते हैं, कायदे आजम की पिक्चर होती है जी। क्या हाल किया शराज भाई, इतने चारपाई के ऊपर जब लेटते हैं ख़राब करते हैं ना, सलीके मंद तरीके से लेटते हैं हम लोग, देखें बेड की चादर ज़रा नहीं ख़राब हुई, बस तकिए वगैरह इधर उधर हुए होंगे। इसके बाद मैं बनाऊँगी
टैंक। तुम्हें सुबह हमने कितना जगाया फातिमा? निकालो इन्होंने ना रात गई मुझे ऐसी वार्निंग दे रही है। पापा ने भी मामा ने भी तो देखें सामने सेटिंग हो रही है बालों की। इन्होंने कल मुझे इतना कह दिया था ना पापा ने भी और उन्होंने मामा ने भी कि तुमने चार रोजे रख लिए अब नहीं हमने रखवाने बस सब क्या अब तुम कमजोर हो जाओगी तुम कहीं गिर जाओगी तुम ये अब तुमने एक रोजा छोड़ के एक रोजा रखना है। मुझे पहले ही पता था मुझे रखने नहीं देना। मैं रोटी मैं रोटी नहीं मैं डीट बन के लेटी रही नहीं मैं सुबह उठूंगी सुबह रोजा भी रखूंगी। देख ऐसी बात नहीं जब मैं किसी चीज़ के मिशन पे निकल जाऊँ ना वो फिर मैं पूरी कर लेती हूँ पता है ना। चलो मामा क्या कर रही हैं भाई? मामा कुछ भी नहीं कह रही मामा पकौड़े बना रही हैं। ये बाहर वाले चारपाई पे ठीक करो अगर मैंने अपने कहना रोजेदार से काम करवा कोई बात नहीं आप ही कर लो कभी कभी करना चाहिए। सारी सफाई करके सोई थी नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के। मैं वो बच्चा हूँ जो रात को बेशक 11 बजे या 12 बजे सोए लेकिन सुबह उसकी एक दफ़ा जल्दी आंख खुल जाती है। मैं ढीठ बन के लेटी रहती हूँ वो बात अलग है। सुन रही मम्मी की कह रही है? मैं बता रही हूँ ना कि मैं ढीठ बन के लेटी रहती हूँ पर उठती नहीं वो बात अलग है लेकिन मैं मेरी आंख खुल जाती है। मैं ये बताना चाह रही हूँ तो वो तो मैं दोपहर को दोबारा सोई थी ना तो मेरे सर में पेन हो रही थी फिर मैंने आप सब सोए हुए थे फिर मैं अभी सो गई। बस 10-15 मिनट सब सोए हुए थे अभी इसमें बनाया नहीं है दही भल्ले सब सोए हुए फिर मैंने कहा बस फिर ये बन रहे हैं पकोड़े बन गए हैं पकोड़े बन गए हैं ये देखिए मामा बना रही हैं। ये कौन है कैसे हैं आप सब? मैं आपको सुबह बताया था ना कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है मैं अभी दवाई लेके आया थोड़ी देर पहले मेडिकल स्टोर से जा रही हूँ और कभी ये रोज़ा खुलेगा तो फिर रोज़े के बाद में पैनाडोल से क्या फ़र्क पड़ना है नीचे गिरा हुआ ये बन गए हैं दही बन गए तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। बाबा भी आ गए हैं और मामा पढ़ रही हैं मामा तस्बीह कर रही अपने सलाम तो मैंने पहले भी जी मैं इस टाइम पे अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ जिस बेटे ने रिक्वेस्ट किया मैं उसके लिए भी दुआ मांगूंगी कि उसको भी अल्लाह पाक लाइबा हूर दे। सब बेटों के लिए रोटी बन रही है यहाँ पर वो हमने साग को तड़का लगाया था पापा ने जाना है अभी दोबारा फिर से इसलिए हम अभी रोटी बना रहे हैं खा के फिर पापा चले जाएंगे। अपने टैंक में पानी तो डाला नहीं वो मैंने पानी ना ठंडा होने के लिए रखा तो वो मैंने कहा ठंडा हो जाए फिर डालना इसलिए अभी तकरीबन 6-7 मिनट हैं। आज 5 रोजे रखे हैं और बेशरास का पेट अंदर चला गया है हाथ पीछे करना जरा शर्ट खुली हो गई है एक दौर था ये शर्ट इतनी फंसी हुई थी मुझे शौक नहीं है स्मार्ट होने का अगर मैं शौक हो ना मुझे तो मैं हो भी सकती हूँ जी अभी मैंने सिर्फ चावल छोड़े हैं अगर मैंने सॉस नहीं लिया अपनी साग डालते हैं इसमें बोल में मैं ना भी धो रही हूँ बर्तन और अफतारी के तकरीबन धो रही हैं इधर बन रही है हमारी चाय मुझे इश्की लगी हो रही है ये आवाज़ आ रही हो अब किचन क्लीन होगा सारा मैंने भी चीज़ें वगैरह भी सारी उठाई हैं टेबल से भी अंदर से भी कहाँ पे मैंने नहीं देखे वो हम साफ कर देते हैं शीट लेट्स डू इट थोड़ा सा काम करवा देते हैं बहन के साथ अच्छा बाकी चीज़ें नहीं उठाई मैंने तुम्हारा आज रोजा नहीं था तुमने आज मेरा कोई मेरा हेल्प नहीं तुमने कोई मेरे अपने काम इतने ज़्यादा थे और बड़े काम थे सफाई पता कितनी ज़रूरी थी घर में आज बहुत गंदा लग रहा था अच्छा मामा जी आई इसको नाश्ता भी मैंने सुबह खुद उठ के बना के दिया रोजे के साथ
वो तो मामा पापा का बन रहा था तो फिर मुझे बिठा दिया कि तुम भी कर लो। बहुत शुक्रिया। मैंने बोला था, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही बना लूंगी, फिर मैंने भी कहा नहीं मैं पराठा बनाती हूँ, बाहर आके खा लो, खुद ही सास करना और बाद में जिताना। चले अब हम चाय पियेंगे। हाफ हाफ कप बस बनाइए, नहीं डाली चीनी, चीनी के बगैर ही पीएंगे। मुझे दूध ला दो, मैं पापा के लिए भी बना दूँ, बना लेते हैं पापा के लिए भी। जिन लोग को यही पेंट करेंगे और मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से ब्लॉग पे। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना है। तो मुझे अल्लाह हाफिज़।